हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबके बीच तृप्ति लेकर आई हूँ आज का ये स्पेशल प्रोग्राम बी टाउन की मोस्ट पॉपुलर मोस्ट ब्यूटीफुल मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर एक और नई रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे किस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन को बच्चन परिवार में बहु बनने से पहले ही बच्चन परिवार ने उन्हें स्वीकार लिया था और बहू नहीं बल्कि बेटी की जगह देने के लिए पूरी तरह से मन बना चुकी थी। उनकी सास बॉलीवुड की वेरियन एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन। जी हाँ, जया बच्चन और ऐश्वर्या के बीच रिफ्ट की बातें अब नई नहीं रह गई हैं। दोनों के बीच झगड़े, तालमेल बैठाने में तकलीफ और मतभेद की बातें खुलकर सामने आ रही है। लेकिन असल में क्या वाकई जया और ऐश्वर्या के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो वाकई पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि कभी साथ नज़र आते हैं तो कभी दूर दूर, कभी किसी फंक्शन में ये एक साथ पहुंचते हैं तो कभी किसी फंक्शन में ये साथ पहुंचते नहीं हैं। आराध्या के स्कूल परफॉर्मेंस के दौरान जया की गैर मौजूदगी ने फिर से लोगों के जहन में यही सवाल खड़ा किया, क्या वाकई में वो ऐश्वर्या से है नाराज़? अगर ऐश्वर्या से नाराज़ भी है जया, तो अपनी प्यारी सी पोती की परफॉर्मेंस के लिए भला जया बच्चन क्यों नहीं पहुंची परफॉर्मेंस देखने उनके स्कूल? भला आपको बता दें कि इसे लेकर भी जया बच्चन को जमकर ट्रॉल किया गया है। लेकिन यहाँ हम आपको ये बताने चाह रहे हैं कि कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन से जया बच्चन ने काफ़ी उम्मीदें लगाई थी। उम्मीदें लगाई थी जया बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन से कि श्वेता बच्चन के जाने से जो वैक्यूम जलसा में आ गया है, जो जगह खाली हो गई है जलसा में, जो जगह खाली हो गई है बच्चन परिवार की ज़िंदगी में, उस जगह को भरेंगी ऐश्वर्या। जया ने खुद से कहा था कि ऐश्वर्या राय बच्चन से, अपनी बहू से उन्हें उम्मीद है कि बेटी की जगह वो ले लेंगी, वो वैक्यूम जो कि श्वेता की विदाई के बाद जलसा में है, जो जगह खाली रह गई है उस जगह को, उस वैक्यूम को फिल करेंगी ऐश्वर्या राय बच्चन। जया बच्चन ने ये कहते हुए ये भी बताया था कि कैसे अमिताभ बच्चन के पति यानी कि बिग बी भी ऐश्वर्या राय बच्चन में अपनी बेटी को ढूंढते रहे। लेकिन जया अगर अपनी बेटी को ढूंढती है अपनी बहू ऐश्वर्या में, तो जाहिर सी बात है कि उनकी उम्मीदें श्वेता बच्चन की ही तरह ऐश्वर्या राय बच्चन से रही होंगी। तो क्या ऐश्वर्या इतने सालों की कोशिश में भी नाकाम रही? इतने सालों तक कोशिश करने के बावजूद नाकाम हो गई है जया बच्चन के दिल में जगह बनाने से? क्या वाकई में श्वेता बच्चन की जगह ऐश्वर्या नहीं ले पाई है? क्योंकि जया ने तो ऐश्वर्या राय बच्चन को श्वेता की जगह दे दी शादी से पहले ही, अपनी बेटी की विदाई के बाद ऐश्वर्या को बेटी की जगह देकर जया ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था, क्योंकि वो खुश है अपने बेटे की पसंद ऐश्वर्या राय बच्चन है। तो यहाँ आपको बता दें कि जया ने पहले से ही जो जगह ऐश्वर्या राय बच्चन को अपने घर अपने ज़िंदगी में दी थी, इस पर चर्चा कैसे हुई, इसके लिए आप सबको देखनी होगी ये खास रिपोर्ट। वल, इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई में जया बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन को अपनी ज़िंदगी में जो जगह दे दी है, उस जगह को कोई और नहीं छीन सकता है। लेकिन एक सास का अपनी बहू को बेटी बनाना आसान भी नहीं होगा। अब ऐसे में बेटी की जगह अगर ऐश्वर्या राय बच्चन को जया ने दी, तो काफ़ी उम्मीदें भी उन्हें अपनी बहू से बेटी जैसी ही रही होगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि जया ने आखिर क्या कहा था, जिससे ये बात साबित हुई कि जया ने श्वेता की जगह ऐश्वर्या राय बच्चन को दे दी थी। ऐश्वर्या की तारीफ करती हुई जब जया बच्चन नजर आई, जो कि खास तौर पर अभिषेक ऐश्वर्या के तलाक की उड़ रही अफवाहों के बीच, अब इसलिए बताने की ज़रूरत है क्योंकि जया और ऐश्वर्या के बीच खटपट की बातों पर बहुत लोग यकीन नहीं करेंगे। यकीन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वाकई में जया और ऐश्वर्या के बीच सब कुछ बहुत बेहतर रहा है।
चानिए 1997 में श्वेता की शादी जब हुई थी निखिल नंदा के साथ, स्कॉट्स ग्रुप बिजनेसमैन निखिल नंदा से जब श्वेता बच्चन की शादी हुई तो बच्चन परिवार में श्वेता की विदाई का बहुत बड़ा असर पड़ा और उससे वो उभर तब तक नहीं पाए जब तक ऐश्वर्या उनकी ज़िंदगी में नहीं आई। जो खालीपन ऐश्वर्या राय बच्चन ने जया और अमिताभ की ज़िंदगी में श्वेता की जगह लेकर भरा उससे वो हमेशा खुश रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, बच्चन परिवार से जुड़ने के बाद ऐश्वर्या को सबसे बड़ा आशीर्वाद अमिताभ और जया से यही मिला कि उन्हें जगह दी गई श्वेता की। ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर जया ने ये कहा कि जो वैक्यूम है उसे फिल करने के लिए ऐश्वर्या काफ़ी है, उसे स्वीकार किया इन्होंने। जी हाँ, जया ने कहा, अमित जी एक मिनट के लिए जब ऐश्वर्या को देखते हैं, जैसे ही ऐश्वर्या को देखते हैं उन्हें लगता है कि श्वेता घर आ रही है, उनकी आंखों में चमक साफ देखने को मिलती है ऐश्वर्या को देखकर। और पूरी तरह से श्वेता की गैर मौजूदगी में ऐश्वर्या ने वो जगह बनाई। जया बच्चन ने कहा कि श्वेता के जाने के बाद वो अब भी एडजस्ट नहीं कर पाई थी कि परिवार में उनकी बेटी नहीं है और वो बच्चन नहीं है। बहुत मुश्किल था ये, ऐश्वर्या ने उस मुश्किल को आसान किया, सच को स्वीकार करने में आसान किया कि श्वेता अब बच्चन परिवार की नहीं नंदा परिवार की हो चुकी है। बता दें आप सबको, जिस तरह से सेपरेशंस के रूमर्स बन रहे हैं उससे एक बात तय है कि सेपरेशन के रूमर्स इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर दूरियां आई हैं इनके बीच। हालांकि श्वेता के बेटे अगस्त्या जिस तरह से ऐश्वर्या के साथ बॉन्ड शेयर करते नजर आए रिसेंटली आराध्या के स्कूल फंक्शन में, इससे ये बात भी पक्की हुई कि श्वेता और ऐश्वर्या के बीच कुछ भी अनबन नहीं हुआ। तो ये एक सच है ऐश्वर्या और अभिषेक की ज़िंदगी का कि वो दोनों ही तलाक नहीं लेंगे क्योंकि उनकी बेटी को लेकर वो अपने जीवन में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे उनकी बेटी के जीवन में बुरा असर पड़े। ऐश्वर्या अपनी बेटी को दिलो जान से चाहती है और बेटी के लिए वो अपने परिवार से किसी भी तरह से ऐसे रिश्ते में कड़वाहट नहीं आने देना चाहेंगी जिससे उनकी बेटी आराध्या को दादा दादी और पिता का प्यार के लिए तड़पना पड़े। वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे आराध्या को अपने परिवार का सुख ना मिले। लेकिन जया बच्चन जिस तरह से आराध्या के फंक्शन में नहीं पहुंची, इससे नेटिजन्स ने अपनी नाराज़गी साफ जाहिर की। तो आप सब ने इस रिपोर्ट में जाना कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन के बीच कई तरह से तालमेल की बातें जब हुई है तो ऐश्वर्या को हमेशा जया बच्चन का सपोर्ट ही मिला है। चाहे मीडिया के सामने हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में किसी एक्टर के बीच रिफ्ट हो, ऐश्वर्या के सपोर्ट में एक बार नहीं कई बार एक सास नहीं बल्कि एक माँ की तरह जया ने ऐश्वर्या राय बच्चन को सपोर्ट किया है। यही कारण है कि ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए जया बच्चन उनकी बेटी सम्मान है ये कहा जाता रहा है। खैर, इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम ऐसे ही ट्रेंडिंग खबरों में बने रहने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के सितारों की सीक्रेट्स और गॉसिप्स में बने रहने के लिए, टॉक ऑफ द टाउन बने रहने वाले सेलिब्रिटीज की रियल लाइफ सीक्रेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।